हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं जरा चौधरी और दोस्तों आप देख रहे हैं एएमसी मीडिया टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे मिलते रहता है ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे अपना नेम जो है वो आप कैसे करेक्शन करें। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है cowin.gov.in। और दोस्तों जैसे ही टाइपिंग पूरा हो जाता है यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। और दोस्तों जैसे हमने सर्च किया आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही हमने गेट ओटीपी पर क्लिक किया अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको 6 डिजिट का जो कि है एक ओटीपी मिल जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी पर डाल देना है जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। और दोस्तों ओटीपी को सही तरह से फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद कुछ लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद हमारा सब जो कि मेम्बर का नेम जो कि है वो आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर राइजन इशू पर आपको क्लिक करना है। राइजन इशू पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही हमने सबसे ऊपर वाली ऑप्शन पर क्लिक किया आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट मेंबर पर क्लिक करके आपको अपना मेंबर जो है जिनका नेम आप करेक्ट करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेंबर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। और मैं अभी मेंबर का नेम जो कि चेंज करना चाहता हूँ तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर चेंज के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो कि करेक्ट नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, फिलहाल जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों नेम चेंज करने के समय आप बिल्कुल चौकन्ना होकर चेंज कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल ही सिर्फ दो बार ही चेंज किया जा सकता है। पूरा नेम डाल लेने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको अपलोड फाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों आपको फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप कैमरा से क्लिक करना चाहते हैं तो आप कैमरा पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं फाइल से जो कि अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं फाइल से ही कर लेता हूँ। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना नेम जो कि करेक्ट है या नहीं ये आपको चेक कर लेना है। हमारा नेम जो कि फिलहाल जो कि करेक्ट है तो मैं चला जाता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पर। पूरा चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमें जो कि रिक्वेस्ट फॉर वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल जो कि हमारा जो नेम करेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी चलिए इसको चेक कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो लोडिंग है ये आपको पूरा होने देना है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा जो लोडिंग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा काम हुआ है या नहीं चेक करने के लिए आपको सिंपली बैक करना है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा जो काम है वो बिल्कुल 100% सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपका जरा सा भी काम का आया है तो दोस्तों देर किस बात की, अभी कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद जय भारत।